पैट कमिंस से छीनेगी हैदराबाद की कप्तानी। इस भारतीय खिलाड़ी को मिलेगी कमान। मेगा ऑक्शन के बाद बड़ा अपडेट। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था। टीम ने लीग चरण में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में जगह बनाने में सफल रही, जिसके बाद ऐसी अटकलें लगाए जाने लगी कि वह आईपीएल 2025 में भी कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब पैट कमिंस के कप्तान बनने को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खबर यह है कि अगले सीजन में फ्रेंचाइजी पैट कमिंस से कप्तानी छीन सकती है। पैट कमिंस से छीनने वाली है कप्तानी। आईपीएल 2025 के लिए फ्रेंचाइजियों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब में हुए मेगा ऑक्शन में सभी टीमों ने अपना दस्ता मजबूत करने के लिए कई धाकड़ खिलाड़ियों पर दांव खेला है। इस बीच आईपीएल 2024 की रनर अप टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को खरीदने के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए लुटा दिए। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वह आईपीएल 2025 में टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। कप्तानी का है अनुभव। हैदराबाद का ईशान किशन को कप्तान बनाना दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा हो सकता है। युवा खिलाड़ी की सोच, रणनीति और ऊर्जा टीम के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। ईशान किशन के पास आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता है। सीमित ओवर्स के विकेट में धुएंधार बल्लेबाजी कर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। वहीं अब तक आईपीएल में 105 मैच खेल चुके हैं, जिसमें वह 2644 रन बनाने में सफल रहे। इस दौरान उनके बल्ले से 16 अर्धशतक निकले हैं। इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल के 32 मैचों में ईशान किशन के नाम 796 रन दर्ज हैं। टीम का बन सकते हैं भविष्य। अगर सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस की जगह ईशान किशन को कप्तान बनाती है तो वह उसका साहसिक फैसला हो सकता है। दरअसल उन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर कप्तानी नहीं की है। वहीं दूसरी ओर पैट कमिंस ने पिछले साल बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया को 2 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई थी। उनकी कप्तानी में कंगारू टीम ने 28 टेस्ट मैच खेलते हुए 17 जीते, जबकि 6 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। इस बीच 5 मुकाबले ड्रॉ हुए। वहीं आईपीएल 2024 में पैट कमिंस के नेतृत्व में सनराइजर्स हैदराबाद ग्रुप स्टेज के 14 में से 8 मैच ही जीत पाई थी। इसके अलावा प्लेऑफ में राजस्थान रॉयल्स को मात देकर फाइनल में पहुंची। लिहाजा अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आईपीएल 2025 में हैदराबाद की कप्तानी कौन करता हुआ नजर आएगा। कप्तानी का है अनुभव। हैदराबाद का ईशान किशन को कप्तान बनाना दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा हो सकता है। युवा खिलाड़ी की सोच, रणनीति और ऊर्जा टीम के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। ईशान किशन के पास आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता है। सीमित ओवर्स के विकेट में धुएंधार बल्लेबाजी कर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। वहीं अब तक आईपीएल में 105 मैच खेल चुके हैं, जिसमें वह 2644 रन बनाने में सफल रहे। इस दौरान उनके बल्ले से 16 अर्धशतक निकले हैं। इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल के 32 मैचों में ईशान किशन के नाम 796 रन दर्ज हैं। टीम का बन सकते हैं भविष्य। अगर सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस की जगह ईशान किशन को कप्तान बनाती है तो वह उसका साहसिक फैसला हो सकता है। दरअसल उन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर कप्तानी नहीं की है। वहीं दूसरी ओर पैट कमिंस ने पिछले साल बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया को 2 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई थी। उनकी कप्तानी में कंगारू टीम ने 28 टेस्ट मैच खेलते हुए 17 जीते, जबकि 6 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। इस बीच 5 मुकाबले ड्रॉ हुए। वहीं आईपीएल 2024 में पैट कमिंस के नेतृत्व में सनराइजर्स हैदराबाद ग्रुप स्टेज के 14 में से 8 मैच ही जीत पाई थी। इसके अलावा प्लेऑफ में राजस्थान रॉयल्स को मात देकर फाइनल में पहुंची। लिहाजा अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आईपीएल 2025 में हैदराबाद की कप्तानी कौन करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में कौन होना चाहिए हैदराबाद का अगला कप्तान, पैट कमिंस या फिर ईशान किशन? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।